गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था अल्टरनेटिंग करंट यूनिट 6 का चैप्टर नंबर 7। हमने एसी सर्किट्स पढ़े थे। मैंने बताया था एसी सर्किट में एक बार हम प्योर रजिस्टर काम में लेंगे, एक बार प्योर इंडक्टर या इंडक्टेंस कॉइल काम में लेंगे, एक बार प्योर कैपेसिटर, देन तीनों को कॉम्बिनेशन LCR सर्किट, जिसे हम LCR सीरीज सर्किट भी कहते हैं। इनमें से हमने पहला कर लिया था जब एसी सोर्स के साथ सीरीज में प्योर रेजिस्टेंस जुड़ा हो। हम इक्वेशन लेके चले थे V=V0 sin ωt, और करंट की कैलकुलेशन से करंट की जो इक्वेशन आई थी I=I0 sin ωt, वो हमने फेजर और फेजर डायग्राम की बात करी थी। हमने देखा था कि जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाती है तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट सेम फेज में रहते हैं। सेम फेज में मैंने बताया था फेज डिफरेंस जीरो बना रहता है। मींस जिस टाइम पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम होगी उसी टाइम पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। तो हमने देखा था बार बार हम फेज फेजर इस टाइप के शब्दों को यूज कर रहे थे। हम पढ़ते हैं ये फेजर क्या है, रोटेटिंग वेक्टर क्या है। देखें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी करंट एंड एसी वोल्टेज बाय रोटेटिंग वेक्टर्स, इन्हीं रोटेटिंग वेक्टर्स को हम फेजर्स कहते हैं और इस प्रकार के बनने वाले डायग्राम फेजर डायग्राम कहलाते हैं। कि इन प्रीवियस सेक्शन जो हमने जस्ट इससे पहले पढ़ा है, वी लर्न दैट द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन फेज विथ एसी वोल्टेज। क्या देखा था हमने, दोनों सेम फेज में थे। क्या कह रहा है कि द करंट थ्रू ए रजिस्टर इज इन फेज विथ एसी वोल्टेज, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर्स। जब हम प्योर रजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं वहां तो बोल रहे हैं कि करंट रजिस्टर के साथ सेम फेज में है, मीन्स दोनों सेम फेज में है। बट जब हम इंडक्टर और कैपेसिटर्स की बात करेंगे या इनके किसी कॉम्बिनेशन RL सर्किट, LC सर्किट, LCR सर्किट, RC सर्किट, इनमें हम देखेंगे दोनों सेम फेज में नहीं होगी, मींस वोल्टेज और करंट फेज डिफरेंस रखेगा। ऑफ दीज सर्किट एलिमेंट इन ऑर्डर टू शो फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। वहां हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो हम फेज रिलेशन भी पता करेंगे, कभी करंट वोल्टेज से आगे चली जाएगी, कभी करंट वोल्टेज से पीछे आ जाएगी, फेज डिफरेंस π/2 बना रहेगा, कभी -π/2 बना रहेगा। देखें, वी यूज द नोशन ऑफ फेजर्स। क्या यूज करते हैं, फेजर्स को यूज करते हैं। द एनालिसिस ऑफ एन एसी सर्किट इज फैसिलिटेटेड बाय द यूज ऑफ फेजर डायग्राम। ए फेजर, फेजर क्या चीज है, ए फेजर इज ए वेक्टर which rotate about the origin with angular velocity, angular speed omega। तो फेजर को हमने क्या मान लिया भाई, एक वेक्टर मान लिया है जो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ओमेगा स्पीड से या ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी से होंगे, ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट होगा, एज ए शोन इन फिगर 7.4, जो 7.4 में दिखा रखा है। यहाँ अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेजर भी दिखा रखा है, अल्टरनेटिंग करंट का फेजर भी दिखा रखे हैं। जब प्योर रजिस्टर की बात कर रहे थे तो दोनों सेम स्पीड ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे थे। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फेजर वी एंड आई रिप्रेजेंट द साइनसोइडल वेरिंग क्वांटिटी वी एंड आई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फेजर वी एंड आई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ द पीक वैल्यू ऑफ Vm एंड Im। Vm का मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज की पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू, Im का मतलब अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू या Im। देखें एक बार कि जब ये बोल रहा है फेजर में, आपने देखा ये वाला जो डायग्राम दिख रहा है ये एरो साइन, ये वोल्टेज को दिखा रहा है, उसी के डायरेक्शन में ये करंट फेजर को दिखा रहा है, दोनों सेम ओमेगा स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं। बोल रहा है इनके एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो हमने V के एंड सिरे से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो यहां से यहां तक का जो वर्टिकल कंपोनेंट है जिसे V0 sin ωt कहा गया, यहां से यहां तक का जो है I0 sin ωt कह रहा है। वेयर V0 इज द पीक या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड I0 इज द पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। द एम्पलीट्यूड और द पीक वैल्यू Vm एंड Im ऑफ दीज ऑक्सीलेशन क्वांटिटी फिगर 7.4 में रिप्रेजेंट किया गया। शोन द वोल्टेज एंड करंट फेजर्स
एंड देयर रिलेशन एट टाइम टी वन फॉर द केस ऑफ एन एसी सोर्स कनेक्टेड इन द रजिस्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू द सर्किट ऑफ 7.1 जो हमने बनाया था. द प्रोजेक्शन ऑफ वोल्टेज एंड करंट फेजर्स ऑन वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस जो दिखाई दे रही है, जहाँ हमने वी एम साइन ओमेगा टी की बात करी है, जो यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है, देखिए डायग्राम में ये रहा, ये वी एम साइन ओमेगा टी और ये आई एम साइन ओमेगा टी. तो वी एम साइन ओमेगा टी एंड आई एम साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंटली प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट एट द इंस्टेंट टाइम टी एज दे रोटेट विद फ्रिक्वेंसी ओमेगा कर्व्स इन फिगर 7.1. मैंने कहा था या तो हमने करा था, एक हमने जब टाइम डिपेंडेंट ग्राफ खींचा था तो वी दिस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी का भी खींचा था, आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का. तो दोनों की जो डायग्राम दिखा रहे हैं, फेजर डायग्राम दिखा रहे हैं, जो ब्लू डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है ये तो वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम है, और जो डॉटेड लाइन है वो करंट के लिए. वह मैंने उस डायग्राम में शो भी किया था कि जिस समय वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम उसी समय करंट कब, प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात करते हैं तब, और जिस समय वोल्टेज की वैल्यू जीरो उस समय करंट की वैल्यू भी जीरो है. द जनरेटर 7.4 वी सी दैट फेजर्स वी एंड आई फॉर द केस ऑफ रजिस्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. दिस इज सो फॉर ऑल टाइम्स. दिस मीन्स दैट द फेज एंगल बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इज जीरो. तो हमने देखा था जब प्योर रेजिस्टिव सर्किट की बात की जाएगी तो वोल्टेज और सेम करंट सेम फेज में रहेंगे, दोनों मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू को सेम टच करेंगे. तो ये कहलाता है फेजर या फेजर डायग्राम. हम प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए भी फेज फेजर डायग्राम बना रहे हैं, ऐसे प्योर इंडक्टर के लिए भी और प्योर कैपेसिटर के लिए. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो हम निकाल रहे हैं. क्या निकाल रहे हैं? जब हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट पढ़ा था, आज हम पहले पढ़ेंगे प्योर इंडक्टेंस या प्योर इंडक्टिव सर्किट. तो हमारा टॉपिक था अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू ए कैपेसिटर. इससे पहले हम कर चुके रजिस्टर्स पे, दोनों देखा था कि वी और आई सेम फेज में थे. अब ये बात करते हैं अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर. दिख रहा है अल्टरनेटिंग सोर्स जिसका पर्टिकुलर टाइम टी है, इंस्टेंट टाइम टी पर जो एसी वोल्टेज है दे रखा है, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. इस एसी सोर्स के सीरीज में हमने किसी सी कैपेसिटी वाले कैपेसिटर को ऐड कर दिया. अल्टरनेटिंग सोर्स कनेक्टेड टू ए कैपेसिटर एज शोन इन फिगर. देख रहा फिगर में दिखा रखा है, सच ए सर्किट इज नॉन एज प्योर. वहां लिखा था हमने प्योर रेजिस्टिव सर्किट, यहां कहलाता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट. द कैपेसिटर इज पीरियोडिकली चेंज द एंड चार्ज एंड डिस्चार्ज. क्या कह रहा है? जैसे ही हम अल्टरनेटिंग सोर्स से हम किसी कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं तो ये पीरियोडिकली मींस अल्टरनेट, अभी चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा फिर चार्ज होगा फिर डिस्चार्ज होगा, तो इस प्रकार से कंटिन्यू चलता रहता है. व्हेन अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड टू इट, द अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर. अभी अभी हमने करना, जब जैसे ऐसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो इंस्टेंट टाइम टी पर ये आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो टाइम डिपेंडेंट वैल्यू होगी वो होगी वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी. इस इक्वेशन नंबर एक करते हैं. अब निश्चित है जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगा कैपेसिटर चार्ज होने लग जाएगा, इट मींस कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज स्टोर होना चालू हो जाएगा. लेट क्यू बी द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट इंस्टेंट टाइम. मान लिया इस इंस्टेंट टाइम टी पर कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज क्वांटिटी क्यू है. Then the potential difference across the capacitor plates Vc this equal to Q by C. हमने basic formula पढ़ा है capacitor का, V this equal to Q upon C. फिर देखें Vc this is voltage on capacitor जिसे हम E alternating voltage ही है, तो V की value हमने substitute कर दी कि Vc को लिखा जा सकता V not sin omega t this equal to Q upon C. Cross multiplication किया जाए तो charge की value आ गई Q this equal to V not C sin omega t. V not the peak value of alternating voltage, C the capacity of the capacitor, omega t is the phase angle, Q is the charge at the instant time t on the capacitor plates. अब हम निकालना चाहते हैं कि हमारे पास alternating voltage की इक्वेशन तो अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन क्या बनेगी. जब हमारे पास चार्ज की वैल्यू है तो हम जानते हैं आई दिस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, चेंज ऑफ रेट इन चार्ज
इज नॉन एज आई दिस इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, इसका मतलब जो क्यू है उसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दें, क्योंकि वैल्यू कितनी थी वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। इसका मतलब बोल रहा है हमें टाइम डिपेंडेंट डिफरेंशियल करना है किसका, वी नॉट सी साइन ओमेगा टी। अगर डिफरेंशियल किया जाए तो हम जानते हैं साइन का डिफरेंशियल हो जाएगा कॉज, ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा, टोटल इसका डिफरेंशियल बन जाएगा वी नॉट सी ओमेगा कॉज ओमेगा टी। ये ओमेगा और ये वी नॉट सी ओमेगा को हमने थोड़ा सा जमा के लिख लिया, वी नॉट को तो अपनी जगह रख लिया, वन अपॉन सी ओमेगा ऑफ कॉज ओमेगा टी। अब कंपेयर करने के लिए जो कि फेज एंगल जब बात करेंगे, फेज की कंपेरिजन करने के लिए हम देख रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ साइन, देन हम करंट की इक्वेशन को भी इन टर्म्स ऑफ साइन चेंज करना चाहते हैं, तो कॉज वैल्यू को साइन वैल्यू में चेंज किया जा सकता है। पड़ा हमने कॉज ओमेगा टी दिस इक्वल टू साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कॉज ओमेगा टी जी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कॉज को साइन की टर्म्स में चेंज करने के लिए यहाँ से कॉज ओमेगा टी की जगह हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 90, ये हो गया आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। आई नॉट ये वैल्यू कौन सी, वी नॉट अपॉन वन बाई सी ओमेगा, आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, वेयर आई नॉट दिस इक्वल टू वी अपॉन वन बाई ओमेगा सी इज द पीक वैल्यू ऑफ ए सी। ये इक्वेशन थी किसकी, नंबर एक इक्वेशन थी आपके अल्टरनेटिंग वोल्टेज की, और नंबर बी इक्वेशन आ गई अल्टरनेटिंग करंट की फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट के लिए। कंपेयर द इक्वेशन वन एंड सेकंड, वन और सेकंड को कंपेयर किया जाए, शो दैट करंट, या तो बोल सकते हैं करंट वोल्टेज से, देखो वोल्टेज की इक्वेशन वी दिस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, जबकि करंट की इक्वेशन आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इट मींस फेज एंगल में पाई बाय 2 का डिफरेंस है, इसका मतलब आई में पाई बाय 2 ऐड हो रहा है। बोला जा सकता है करंट वोल्टेज से पाई बाय 2 फेज एंगल आगे, या वोल्टेज करंट से पाई बाय 2 फेज एंगल पीछे। देखो क्या दे रहेगा, कंपेयर द इक्वेशन वन एंड सेकंड, शो दैट करंट लीड्स द ईएमएफ और वोल्टेज बाय एंगल पाई बाय 2 इन प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। याद दे जाएगा क्या दिख रहा है कि करंट लीड करती है किसको, ईएमएफ को, बाय फेज एंगल पाई बाय 2 इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट। टाइम डिपेंडेंट फॉर डायग्राम फॉर द सेम शोन इन फिगर 2.1 द फेजर डायग्राम ऑफ कैपेसिटेंस। पहले बात करते हैं फेजर की, फेजर की बात करते हैं तो वहां पर दो इक्वेशन है, वी दिस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इसका मतलब वी से आई पाई बाय 2 फेज एंगल आगे रहेगी। इसका मतलब जिस समय वी दिस इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी में फेज एंगल ओमेगा टी बना रहेगा, उस समय ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ये 90 डिग्री आगे कर दिया, ये अरब वी दिस इक्वल टू वी नॉट, ये दिख रहा है आई दिस इक्वल टू आई नॉट, परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो शो करेगी v दिस इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी, ये कह रहा है i दिस इक्वल टू i नॉट प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। और देखा जाए ये जीरो से दोनों स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहा है जीरो से, तो वो पाई बाय 2 फेज एंगल बाद स्टार्ट हो रहा है, ये पहले से तो i पाई बाय 2 पहले से स्टार्ट हो रही है, और भी ये फेज एंगल दोनों के बीच में कितने का बना रहेगा, प्लस पाई बाय 2। अब आ जाती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जैसे हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं तो अब इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, रिएक्टेंस। द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज द इफेक्टिव ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय ए कैपेसिटर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जब हमने कंपेरिजन किया तो आई दिस इक्वल टू वी अपॉन आर, हम बेसिक बात करें ओम्स लॉ से, आई दिस इक्वल टू वी अपॉन आर, जहाँ यहाँ आर कहलाता था क्या, ऑपोजिशन ऑफ करंट बाय द कंपोनेंट। यहाँ आर जब रजिस्टर प्योर रजिस्टर वाले सर्किट के लिए रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता था, तो यहाँ अगर कंपेयर करें तो ये पूरा का पूरा एक अपोजिशन फैक्टर को शो करता है, वहां तो कहलाता था रेजिस्टेंस, यहाँ बन जाता है रिएक्टेंस। कंक्लूड दैट वन अपॉन सी ओमेगा हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, द टर्म वन अपॉन सी ओमेगा इज नॉन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, तो एक्स सी का फॉर्मूला बन गया वन बाई ओमेगा सी, ऐसा ही यूनिट ऑफ वही ओम सी बनी रहेगी। बिहेवियर ऑफ ए कैपेसिटर इन केस ऑफ डीसी और एसी इंपॉर्टेंट है, जब हम कैपेसिटिव सर्किट की बात करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सी ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओमेगा रखी जा सकती है,
क्यों? क्योंकि जब एसी की बात करते हैं तो उसकी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है, पर डीसी की बात करते हैं तो फ्रिक्वेंसी जीरो, और फ्रिक्वेंसी जीरो तो वन अपॉन जीरो दिस इज इन्फिनिटी। इसका मतलब कैपेसिटिव सर्किट इन एसी सर्किट 1/C ओमेगा रिप्रेजेंट किया जाएगा, बट द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन डीसी सर्किट दिस इज इन्फिनिटिव। दस कैपेसिटिव इफेक्ट इनफाइनाइट opposition to the flow of DC, so direct current cannot pass through a capacitor, important है। यही कारण आता है कई बार रीजन वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है why is the current cannot pass through the capacitors, means जब हम DC सर्किट की बात करते हैं तो frequency इन जीरो होने की वजह से जो opposition वो infinity हो जाता है, इसलिए प्योर capacitor से DC pass out नहीं हो सकती। however small the capacitor of the capacitor may be, mu is finite, then x is equal to 1 upon finite value, then smaller value. This capacitor offer small opposition to the flow of AC, so AC can be considered to pass through a capacitor easily. Variation of xc and mu is depend the shown in figures. So xc ki value 1 by omega c, xc is inversely proportional to mu, the very high frequency xc is 0. The capacitor behave as a conductor for the high frequency of alternating, high frequency alternating current के लिए जो ये capacitor है वो एक conductor की तरह behave करता है। कह दीजिएगा next पढ़ते हैं हम, अभी हमने पढ़ा था purely conductive circuit, अब आ जाता pure inductor circuit, ये inductive circuits। तो हमने कर लिया pure resistive circuit, सेकेंड कर लिया हमने प्योर कंडक्टिव सर्किट, आज तीसरा आ जाता है अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर या प्योर इंडक्टिव सर्किट। सेम वही को वही मेथड है, केवल स्टेप चेंज है। एन अल्टरनेटिंग सोर्स इज शोन इन कनेक्टेड टू एन आइडियल कंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल इन शोन इन फिगर, सच ए सर्किट इज नॉन एज वो था प्योर इंडक्टिव सर्किट, ये बन जाता प्योर क्या रे वो था प्योर कंडक्टिव सर्किट, ये बन जाता प्योर इंडक्टिव सर्किट। वही सेम क्योंकि इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर द वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वहाँ कॉन्सेप्ट चार्ज का आया था, यहाँ कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा। जैसे ही इस सोर्स के कारण वोल्टेज अप्लाई होगा, वोल्टेज के कारण जब करंट फ्लो होगी, करंट फ्लो होगी तो हम जानते हैं एक इंडक्टिव या इंड्यूस्ड ई एम एफ प्रेजेंस हो जाएगा, जो वहाँ पढ़ चुके थे कहाँ, जहाँ हमने पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन, पढ़ा था इंड्यूस्ड ई एम एफ दिस इज माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। करंट फ्लो होने से द इंड्यूस्ड ईएमएफ अक्रॉस द इंडक्टर दिस इज माइनस एल डी आई अपॉन व्हिच अपोज द ग्रोथ ऑफ करंट इन द सर्किट, एज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट, इट मींस यहां किरचॉफ्स लॉ फॉलो किया जाए तो दोनों पोटेंशियल, एक अप्लाइड पोटेंशियल एक इंड्यूस्ड पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल का सम कितना हो जाएगा, जीरो। तो वी प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी दिस इक्वल टू जीरो, या वी दिस इक्वल टू डी एल डी आई अपॉन डी टी, हमें करंट की डेफिनेशन निकालने, इसलिए डी आई अपॉन डी टी दिस इक्वल टू वी अपॉन एल, वी की वैल्यू है वी नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें, डी आई अपॉन डी टी दिस इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, या डी आई दिस इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, डी टी को उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया था इनटू में डी टी, इंटीग्रेशन बोथ ऑफ द सेट, क्योंकि हमको आई की इक्वेशन बनानी है, ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ डी आई है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते, इंटीग्रेशन ऑफ डी आई दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी, डी आई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा I, वी नॉट अपॉन एल एज ए कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रह जाएगा साइन ओमेगा टी, और साइन का अपन ने पढ़ा इंटीग्रेशन माइनस कॉस, और ओमेगा टी का जब करेंगे तो ओमेगा डिवाइड में आ जाएगा, इसका मतलब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, आई दिस इक्वल टू वी अपॉन ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी। अब यह माइनस कॉस ओमेगा टी आ रहा है क्यों, वही सेम कंपैरिजन करने के लिए मुझे साइन के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि वोल्टेज और करंट का कंपैरिजन किया जा सके। तो ये साइन के फॉर्म में रहा, वहाँ माइनस कॉस के फॉर्म चल रही है, तो माइनस कॉस थीटा दिस इक्वल टू साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू लिखा जा सकता है, इसका मतलब माइनस कॉस ओमेगा टी को हम रिप्लेस कर देंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू से, ये वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और पीक वैल्यू आई दिस इक्वल टू वी नॉट अपॉन एल ओमेगा कंपैरिजन, तो इक्वेशन बन जाएगी आई दिस इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, इक्वेशन नंबर थर्ड, वही वापस कंपैरिजन किया जाए। तो जब हमने प्योर
कैपेसिटिव सर्किट की बात करी तो सेम इक्वेशन आई थी, बस वहां था आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यहाँ आ जाता है साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। तो वहां वहां देखा था करंट वोल्टेज को लीड कर रही थी, यहाँ वोल्टेज पाई बाय टू फेज एंगल से करंट को लीड करेगा। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इन द केस ऑफ करंट लेग्स, या तो हम बोलते हैं लीड्स, लीड्स बात करें तो उल्टा कर देंगे, या बोल रहा है लेग्स बिहाइंड द वोल्टेज बाय एन एंगल पाई बाय टू। इन अदर वर्ड्स, फेज डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द एसी या प्योर इंडक्टिव सर्किट। देखें तो वहां थी, देखो v is equal to v not sin omega t, इसका मतलब पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम t पर v का जो फेजर है वो v not से शो किया जाएगा, इसका फेज एंगल आ रहा है omega t, जबकि i के साथ आ रहा है i is equal to i not sin omega t minus pi by 2, इसका मतलब इसे minus pi by 2 एंगल पर i को शो कर देंगे, वो pi by 2 एंगल आगे था, ये legs पीछे चल रहा है, कितना pi by 2 फेज एंगल, वहां था पाई बाय टू फेज एंगल आगे से स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पाई बाय टू एंगल पीछे से स्टार्ट होता है, इसका मतलब यहाँ जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाय टू का बना रहेगा। वहां पढ़ा था हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस, या बन जाएगा बेटा इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखें सेम वही है, अगर हम कंपेरिजन करें तो हमने पढ़ा है ये पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन ओमेगा एल, ओम्स लॉ आई नॉट इज इक्वल टू वी अपॉन आर, यहाँ आर रेजिस्टेंस था, कंपेरिजन करें तो कंक्लूड दैट एल ओमेगा हैज द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, द लर्न द टर्म कौन सी ओमेगा एल इज द नॉन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस रिप्रेजेंट द एक्स एल, वहां एक्स सी से रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ एक्स एल से। बिहेवियर ऑफ प्योर इंडक्टर इन केस ऑफ डी सी और ए सी, वापस बात करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू या 2 पाई ओमेगा रखी जा सकती है। फॉर डीसी सर्किट हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी जीरो होती है, डीसी की फ्रीक्वेंसी जीरो तो एक्सएल की वैल्यू जीरो होती है, जबकि एक्ससी की वैल्यू इन्फिनिटी आई थी, इट मींस प्योर इंडक्टर ऑफर नो ऑपोजिशन, कैपेसिटर तो ऑपोजिशन कर रहा था, नो ऑफर ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ डीसी, हेंस फ्लो इजीली थ्रू एन इंडक्टर्स। फॉर एसी विद इज इक्वल टू फाइनाइट एक्सएल इज इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू, इंडक्टर ऑफर फाइनाइट ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ एसी, ऐसे यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस सेम वो की वही जो रहेगी, यहाँ यहाँ पे भी ओम सी बनी रहेगी, डायमेंशन फॉर्मूला भी इनका सेम बना रहेगा। तो क्या देखा हमने, कंक्लूजन देखें, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल, सो एक्स एल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी, क्योंकि ओमेगा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू आ रहा है, फ्रिक्वेंसी न्यू में इंक्रीज होगा तो एक्स एल इंक्रीज होगा। फॉर एवरी हाई फ्रिक्वेंसी एक्स एल इज इक्वल टू इन्फिनिटी, दिस इंडक्टर बिहेव एज ए गुड एज एन ओपन सर्किट फॉर वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, इसमें करंट को फ्लो ही नहीं होने देगा। प्रैक्टिकल इन इंडक्टर्स ऑलवेज पॉसेस सम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द मटेरियल ऑफ वायर यूज टू मेक इट, देयरफॉर इट इज ऑनली थियोरेटिकल टू कंडक्टर्स इन इंडक्टर टू बी द प्योर कंडीशन, याद रहेगा। तो हमने तीन कर लिए, कौन कौन से, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। जब हम वापस रिवाइज करें तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था वोल्टेज एंड करंट इन सेम फेज, इसका मतलब सेम फेज है, सेम फेज का मतलब है दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो बना हुआ है। पर जब हमने प्योर इंडक्टिव सर्किट की बात करी थी तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमने क्या देखा, जो भी हमने जस्ट किया कि वोल्टेज ये करंट को कंपेरिजन करें तो करंट लैग्स द वोल्टेज बाय एन फेज एंगल पाई बाय टू, इसका मतलब जब प्योर इंडक्टर की सर्किट की बात की जाती है तो वोल्टेज करंट से पाई बाय टू फेज एंगल आगे, या करंट वोल्टेज से पाई बाय टू फेज एंगल पीछे, जबकि हम कैपेसिटिव की बात करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, करंट वोल्टेज से पाई बाय टू फेज एंगल आगे या वोल्टेज करंट से पाई बाय टू फेज एंगल पीछे बना रहता है। कलम करेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट जिसमें एक प्योर एल जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ और एक इंडक्टर जुड़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट रह जाएगा एलसीआर सर्किट। थैंक यू एंड गुड डे।